फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में। सो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अंत तक देखें, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए जानेंगे निशुल्क कानूनी सहायता। विविध सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत सभी प्रकार के दीवानी और फौजदारी मुकदमों के लिए दी जाने वाली सलाह एवं सहायता निशुल्क कानूनी सहायता कहलाती है। कानूनी सलाह सभी स्तर के व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं और विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार योग्य व्यक्ति ही मुफ्त कानूनी सहायता सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित योग्य व्यक्ति ही मुफ्त कानूनी सहायता सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट है मानव व्यापार या बेगार का शिकार व्यक्ति। नेक्स्ट है स्त्री या बालक। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति। नेक्स्ट, विनाशकारी प्राकृतिक आपदा, सांप्रदायिक दंगे, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक संकट से प्रभावित व्यक्ति। नेक्स्ट पॉइंट में है औद्योगिक कर्मी। नेक्स्ट पॉइंट है जेल या संरक्षण गृह या नारी निकेतन या मनोचिकित्सालय में अभिरक्षित व्यक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1,00,000 रुपए से कम है। इसमें दो पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, किन्नर जिनकी वार्षिक आय 2,00,000 रुपए से कम है। और उसमें नेक्स्ट पॉइंट है वरिष्ठ नागरिक जिनकी वार्षिक आय 2,00,000 रुपए से कम है। कानूनी सेवाएं निम्नलिखित स्थितियों में वापस ली जा सकती है। जब सहायता प्राप्त व्यक्ति के पास पर्याप्त संसाधन हो, जब सहायता प्राप्त व्यक्ति ने कानूनी सेवाएं मिथ्या निरूपण अथवा कपट के द्वारा प्राप्त की हो, जब सहायता प्राप्त व्यक्ति विधिक सेवाएं प्राधिकरण समिति के साथ अथवा विधिक सेवाएं अधिवक्ता के साथ सहयोग न कर रहा हो, जब व्यक्ति ने विधिक सेवाएं प्राधिकरण समिति के द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के अतिरिक्त अन्य विधि व्यवसाय को भी यह कार्य सौंपा हो, सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अपवाद स्वरूप दीवानी केस में जहां अधिकार और दायित्व बाकी हो, जहां कानूनी सहायता के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्र में कानून का दुरुपयोग होना पाया जाए, जांच एवं मूल्यांकन समिति कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र का मूल्यांकन करती है और नालसा मुक्त एवं सक्षम विधिक सेवाएं इनके अधिनियम के अंतर्गत यह भी निर्णय करती है कि क्या प्रार्थी कानूनी सहायता प्राप्त करने के योग्य भी है या नहीं। कानूनी सेवाएं न मिलने की स्थिति में अपील प्राधिकरण समिति के अध्यक्ष अथवा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष के समक्ष दायर की जा सकती है और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। प्राधिकरण से प्राप्त वकील से शिकायत होने पर उसकी शिकायत संबंधित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण में की जा सकती है। कोर्ट फीस, प्रोसेस फीस और टाइपिंग शुल्क की अदायगी प्राधिकरण के द्वारा ही की जाएगी। यह सारा व्यय सरकार के द्वारा किया जाता है। यदि आप मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं, तो प्राधिकरण से प्राप्त वकील को आपकी कोई फीस नहीं अदा करनी होगी। मुफ्त कानूनी सलाह उच्च न्यायालय, विधिक सेवाएं समिति एवं सभी जिला न्यायालय परिसरों में स्थित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण से अधिनियम के अनुरूप सभी व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। महिला चाहे वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न है या नहीं, मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकारी है। प्रलंबित केस के किसी भी स्तर पर कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त
मुफ्त कानूनी सहायता के लिए योग्य व्यक्तियों को मुकदमे से पूर्व भी कानूनी सहायता प्राप्त हो सकती है। यदि प्रार्थी निरक्षर है या लिखने की स्थिति में नहीं है तो विधिक सेवाएं प्राधिकरण समिति का सचिव अथवा अन्य कोई अधिकारी उसके मौखिक बयान को रिकॉर्ड करेगा और उस रिकॉर्ड पर उसके अंगूठे का निशान हस्ताक्षर लेगा और उस रिकॉर्ड को उसके प्रार्थना पत्र के समान ही समझा जाएगा। वे किन्नर जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है। जेल में बंद कैदियों को कानूनी सहायता जेल में स्थित लीगल सर्विसेज क्लिनिक में कानूनी सहायता अधिवक्ता के माध्यम से प्रदान की जाती है। न्यायालय के समक्ष पहली बार प्रस्तुत होने वाले कैदी की ओर से कोई वकील न होने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा प्राधिकरण की ओर से उस न्यायालय में नियुक्त रिमांड एडवोकेट प्रतिदिन, जिसमें छुट्टी के दिन भी सम्मिलित है, प्रदान किया जाता है। सभी बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड एवं ऑल इंडिया लीगल एड सेल एंड चाइल्ड राइट्स में भी प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।